नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट टेन स्पोर्ट्स पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली को लेकर। एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर ये विवाद शुरू हुआ तो जब मोहम्मद शमी को खुद सामने आकर इन्होंने इस बात पर बयान दिया कि कौन बेहतर है। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें कि बाबर आजम की इस समय वनडे टी ट्वेंटी रैंकिंग और टेस्ट रैंकिंग में देखी जाए तो बड़ी तेजी से इन्होंने यहाँ पर उछाल पाया। वनडे टी ट्वेंटी में तो नंबर वन पर यहाँ पर बादशाह कायम की हुई है, टेस्ट में भी बहुत आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद शमी ने जो बात कही वो पते की बात कही। दरअसल तो मोहम्मद शमी ने विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ से जब तुलना की जाती बाबर आजम की, तो यहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाबर आजम एक अच्छे बल्लेबाज, इस बात में कोई दो राय नहीं। भले से ही भारतीय टीम से खेलते हैं मोहम्मद शमी, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर की तारीफ की, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सिर्फ खेल की तारीफ की, किसी ऐसे देश के प्लेयर की नहीं, उन्होंने बाबर आजम की तारीफ की, उनके निजी खेल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बाबर आजम बेहतरीन बल्लेबाज हैं, कोई दो राय नहीं इस बात में, और जिस तरीके से वो खेलते आए हैं अब तक वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने विराट कोहली के कई रिकॉर्ड तोड़े, स्टीव स्मिथ, जो रूट को भी पीछे छोड़ा उन्होंने, और इस मामले में अगर देखा जाए तो उनकी तुलना इन सब प्लेयर से करना बाबर आजम के लिए ही अन्याय की बात है। इसके पीछे का रीजन उन्होंने ये दिया कि बाबर आजम अभी एक तरीके से शुरू करे 2015 से, उसके बाद कंटिन्यू खेल लें, अच्छा खेल लें, लेकिन अगर खेलते रहे अच्छा तो जाके ये कहीं ना कहीं इन सबकी बराबरी कर पाएंगे। अगर खेल रहे हैं वो बात अलग है। विराट कोहली के 70 शतक का रिकॉर्ड अभी तक चला आ रहा है, अब यहाँ पर बाबर आजम की तुलना की जाए तो वो भी काफी पीछे हैं, लेकिन विराट कोहली रन मशीन बोले जाते हैं, 50 से एवरेज हर फॉर्मेट में इनकी है, टेस्ट, टी ट्वेंटी, वनडे, टी ट्वेंटी, मतलब किसी भी फॉर्मेट में आप देख लीजिए 50 से एवरेज की स्कोर रहती है। तो बाबर आजम को भी वही लय बरकरार रखनी होगी। अगर ये एक दो साल तक और ऐसे खेल गए तो शमी ने यह कहा है कि जरूर पाकिस्तान के उन बेहतरीन बल्लेबाजों की लिस्ट में शुमार होंगे जिसमें सबका नाम आता है, और बल्कि उनसे ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि अभी तक इन्होंने हर टीम के खिलाफ रन बनाए, चाहे टीम हारी या जीती, लेकिन इनके रन आते ही आते थे। इनके साथी खिलाड़ी रिजवान ने भी इनका साथ दिया। तो बाबर आजम से विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ की लगातार तुलना होती है, तो यहां पर शमी ने साफ कहा कि बाबर की तुलना इन सबसे ना करो, बाबर के साथ ही आप अन्याय कर रहे हो। बाबर एक अच्छा प्लेयर है और भी महान बन सकता है अगर कंटिन्यू ऐसी फॉर्म जारी रखे तो, क्योंकि अब विराट कोहली की बात कर ले, विराट कोहली बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन पिछले 2 सालों से उनके बल्ले शतक नहीं आया। तो यही होता है दोस्तों, आगे चल के अच्छे से अच्छे बल्लेबाज का करियर एक समय पर रुक जाता है, तो वो यहां पर बाबर आजम के साथ ना, ऐसा शमी ने कहा है। देखते हैं बाकी क्या करते हैं यहां पर बाबर आजम भी। क्या लगता है दोस्तों, बाबर आजम और भी कई रिकॉर्ड तोड़ेंगे? वैसे तो अभी तक कई रिकॉर्ड तोड़ भी दिए हैं, कई रिकॉर्ड अपने नए खुद के ही बना दिए हैं, लेकिन अब यहां पर बाबर आजम और क्या करेंगे और क्या कमाल करेंगे, देखने वाली बात रही है। एज अ कैप्टन भी बहुत बेहतरीन साबित रहे। वर्ल्ड कप में अगर किसी ने टीम इंडिया को हराया पाकिस्तानी कप्तानी के तौर पर, वो बाबर आजम है। तो बाबर आजम ने अपने नाम कई इतिहास रच दिए और कई इतिहास रचने बाकी हैं। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स में दीपक गुप्ता आपसे विदा लेता हूं और अन्य जानकारी के साथ अभी से जुड़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।